आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चुनावी मौसम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बयानों की हवाबाजी शुरू हो गई है। और हवाबाजियों के बीच नमस्कार, मैं मयूरी, स्वागत है हमारे खास शो खबर दोपहर में। हम बात कर रहे हैं हमेशा अपने बयानों में विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने एक बार फिर अपने बयान से राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। मैदान था रायबरेली का, वक्त था अंबेडकर की मूर्ति अनावरण का, और निशाने पर थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। स्वामी ने एक ऐसा नारा दिया जिसको 93 में हवा दी थी मुलायम और काशीराम के गठबंधन ने। एक बार फिर स्वामी ने इस नारे की यादों को मौजूदा सियासी पटल पर ताजा कर दी है। हालांकि इसके बाद हिंदू युवा वाहिनी की ओर से उन पर FIR भी दर्ज कराई गई है। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ बयानबाजी की थी, आइए आपको सुनाते हैं। मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए, जब मेरे मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांशीराम, मिले मुलायम कांशीराम, ये नारा गूंजा था। अब गठबंधन के बाद क्या हुआ था, भाजपा का सफाया हुआ था, आज वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। रायबरेली में एक जनसभा के वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयानबाजी की है। बता दें कि अपने बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं, और उन्होंने एक बार फिर से बयानबाजी की जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। बता दें कि रायबरेली में अंबेडकर की मूर्ति अनावरण का और निशाने पर थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। स्वामी ने एक ऐसा नारा था जिसको 93 में हवा दी थी। बता दें कि अपने बयानबाजी से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और एक बार फिर से उन्होंने धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें काशीराम के गठबंधन ने एक बार फिर से स्वामी ने उस नारे की यादों को मौजूदा सियासी पटल पर ताजा कर दी है। बता दें जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं देश का माहौल भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तमाम वर्गों में अलग अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, देश को अलग अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म को लेकर विवादित बयान देते आए हैं। इससे पहले उन्होंने रामचरितमानस की पंक्तियों को लेकर विवादित बयान दिया था। इस बार उन्होंने पुरुषोत्तम श्री राम को लेकर बयानबाजी की है। बता दें कि तब उन्हीं के पार्टी के कुछ नेताओं ने विरोध भी किया था, और एक बार फिर से उन्होंने धर्म को लेकर बयानबाजी कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जरूरत क्या है धर्म को लेकर इस तरह की बयानबाजी करने की। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर राजनीति में धर्म की क्या जरूरत है लगातार धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे हैं। और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान भी जुड़ चुके हैं।
सपा प्रवक्ता हमारे साथ नितेंद्र हमसे जुड़े हुए हैं अपना पक्ष रखने के लिए, वहीं बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव हमसे जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी से इमरान लतीफ हमसे जुड़ चुके हैं। और आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम चर्चा में। और मैं चर्चा की शुरुआत सपा से करना चाहूंगी। विवेक जी, क्या जिस तरह से बयान दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या उनको कहा जा रहा है इस तरह बयान देने के लिए? सपा, माफ कीजिएगा नितेंद्र जी, आपसे ये मेरा सवाल है, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, क्या उनको इस तरह बयानबाजी करने के लिए कहा जा रहा है? सपा प्रमुख क्यों हिदायत नहीं देते? क्या ये आपका कोई एजेंडा है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। आप गौरी जी हैं ना? जी एंकर, आप गौरी हैं जी। गौरी जी, मेरा ये कहना है कि पहली चीज ये बताइए, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या गलत क्या कहा? सर, हर बार धर्म को लेकर इस तरह की बयानबाजी देना, क्या धर्म? यहाँ धर्म कहाँ है? नहीं, आपको कहाँ सही लगता धर्म है? कहाँ है ये? कहाँ धर्म है? इसको आप धर्म मानते हो क्या? नहीं, आपको ये कहाँ से सही लगता धर्म है? आ गया इसमें, धर्म कहाँ आ गया? ये 1991 में इतना चर्चित हुआ था जब मिले मुलायम काशीराम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है, ये धर्म नहीं है। जय श्री राम, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, हमारा धर्म का नारा है जय सिया राम, राम 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 राम। ये किसी को गाली देने का, चिढ़ाने का अस्त्र नहीं हो सकता राम। भारतीय जनता पार्टी धर्म का दुरुपयोग करती है। जब भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करेगी तो निश्चित रूप से आप किसी धार्मिक शब्द को, किसी को गाली देने का, किसी को चिढ़ाने का, किसी को उपसाने का अस्त्र बनाओगे। ये नारा 1991 में लगा था जब भारतीय जनता पार्टी विरोधियों को देख करके उनकी हुटिंग करती थी। भारतीय जनता पार्टी का पर्याय जय श्री राम था, पर्यायवाची शब्द बन गए थे, भारतीय जनता पार्टी ना होगा जय श्री राम। तो उसका उस समय प्रत्युत्तर उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था इटावा से 1991 में, जब कांचीराम जी प्रत्याशी हुए थे लोकसभा के, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनका समर्थन किया और उनको चुनाव लड़ाया। तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्युत्तर में जब कांचीराम जी चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ नारा लगाती थी जय श्री राम। तो ये जवाब में जनता ने नारा दिया था कि मिले मुलायम कांचीराम तो हवा में उड़ गए जय श्री राम, और चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, कांचीराम जी जीतते थे। इसमें क्या गलत है? तो नारा है, इसको धर्म से क्यों आप जोड़ रही है? आप धर्म से कैसे जोड़ सकती है? भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा क्यों लगाएंगी? नितेंद्र जी, हमेशा से वो धर्म को लेकर बयानबाजी करते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, आपके ही नेताओं ने उसका विरोध किया था। गौरी जी, भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद ने क्या गलत कहा था? उन्होंने ये कहा था कि सूद गवाह ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वहां पर बार बार ताड़ना माने दंडना पीटना था। उन्होंने बयान दिया था जिसके लिए इतना हंगामा हुआ, लोगों ने विरोध जताया, आपके पार्टी के नेताओं ने भी विरोध जताया, वो सब गलत थे? नहीं तो गीता प्रेस गोरखपुर ने क्यों से उसको सही कर लिया? अब क्यों ताड़ना की जगह शिक्षा कहने लगे? क्यों भारतीय जनता पार्टी मान गई कि हाँ ताड़ना शब्द गलत है, दंड देना गलत है? क्यों आपने मान लिया? अगर गलत थे ठीक तो है। विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगी। विवेक जी, आपके मुताबिक किस तरह देखते हैं इस तरह की बयानबाजी, फिर FIR? देखिए मयूरी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की बात बोल रहे हैं, ये तो स्पष्ट है कि उन्हें सपा सुप्रीमो का वरदस्त हासिल है और जानबूझ करके बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने वाली भाषा बोल रहे हैं। जो नारा आज लगवाया गया, ना उसमें काशीराम जी धरती पे हैं, ना मुलायम सिंह जी धरती पे हैं, और जिस तरह की बात भगवान श्री राम के लिए की जा रही है अपमानजनक है। इनकी हैसियत नहीं है कि भगवान राम के बारे में टिप्पणी जी का तो साफ तौर पर कहना है कि ना उन्होंने पहले कुछ गलत कहा था रामचरितमानस को लेकर, ना अभी रायबरेली में जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर भी वो सही मानते हैं। गौरी जी, ये दिखा दीजिए आपकी स्क्रीन पर,
यही मोदी भक्त है कि राम जी को उंगली पकड़ाने चलाएंगे, इनकी औकात है राम जी को उंगली पकड़ाने की, इनकी हैसियत राम जी को उंगली पकड़ाएंगे, ये गाना गाएंगे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये बाप है राम के, ये राम को लाए हैं पाठ का, इनकी हैसियत राम को लाने की, निर्णय लिया राम इनके पेटेंट है, ये रामचरित मानस के, ये विरोधियों के खिलाफ नारा राम का दुरुपयोग करेंगे, राम के नारे को बार बार विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तुमने राम का नाम जैसे राम का नारा भारतीय जनता पार्टी को बैन करना चाहिए, राम किसी के बंबौती नहीं है, राम सबके है, राम सबके आराध्य है। सुन लीजिए नितेंद्र जी, आपके पास भी आऊंगी, सुन लीजिए, वो तो खुद बताता मैंने, उनकी आवाज नहीं आ रही, आवाज ठीक कराइए, नेवला पाल करके नेवला बिल बनाता है और बिल में घुस जाता है, नेवला कहीं मोर्चा नहीं लेता, और जिस तरह की भाषा वो नेवला बोल रहा है वो अपने लिए बिल ढूंढ रहा है या समाजवादी पार्टियों के लिए बिल खोद रहा है, क्या कर रहा है, ये तो जनता जनार्दन, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है वही बताएगी, लेकिन जिस तरह की भाषा वो बोल रहा है ये तो तय है कि अखिलेश यादव के बिना सहके वो नेवला ऐसी भाषा नहीं बोल रहा है। जी मयूरी जी, ठीक है, इमरान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, इमरान जी मैं आपके पास आऊंगी, आपको नहीं लगता कि धार्मिक बयानबाजी से देश को आगे जाकर बड़ा नुकसान हो सकता है, राजनीति में धर्म की दखल क्यों? देखिए गौरव जी, आम आदमी पार्टी का धर्म की राजनीति से, जात की राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और आम आदमी पार्टी कभी इस बात की पक्षधर नहीं रही है कि धर्म और जाति के मुद्दों में जनता को उलझाया जाए। आम आदमी पार्टी मुद्दों की बात करती है, काम की बात करती है, डिलीवरी की बात करती है, कि जो वादे आप जनता के साथ करते हैं चुनाव के दरमियान सरकार में आने के बाद, वो वादे आप कितने हद तक पूरा कर पाते हैं। आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति करने के लिए देश और प्रदेश के अंदर आई है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे दूसरी पार्टियों की बात करें, लेकिन अगर धर्म की राजनीति के बारे में आप बात करें जी, तो भारतीय जनता पार्टी के आसपास कोई राजनीतिक पार्टी नहीं पहुंच पाई है अभी तक, और ये जो जिस तरह की स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिछले कुछ दिनों से राजनीति कर रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिखलाई गई राजनीति है, ये उसी का रिटेलिएशन है, जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति, बांटने की राजनीति, तोड़ने की राजनीति, आज उसी पैटर्न पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसका जवाब दे रहे हैं। मसला ये हो रहा है कि चूंकि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए एक तरह की बौखलाहट है। मामला यह है कि जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और करना चाहती है, आज उसी पैटर्न पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सवाल जवाब कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी असहज हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता था कि ये जो धर्म की राजनीति है ये इनका कॉपीराइट है, इसको कोई दूसरा और राजनीति नहीं कर सकता। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो नाम तो लेती है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का, लेकिन जब अयोध्या के अंदर उनके मंदिर बनाने की बात आती है तो उनके चंदे में घोटाला करने का काम भी इसी पार्टी के लोग करते हैं, और इनकी सरकार जांच तक कराने की हिम्मत नहीं दिखाती। तो हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर सबसे ज्यादा अगर धोखा, सबसे ज्यादा फरेब किसी पार्टी ने करने का काम किया हिंदुओं के साथ ही, तो वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हिंदुत्व की आड़ में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने का काम किसी राजनीतिक पार्टी ने किया है तो वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। विवेक जी, छोटा सा जवाब, तमाम आरोपों को आपने सुना, छोटा सा जवाब। मयूरी जी, ये वो लोग हैं जो अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण में बाधक थे, ये नहीं चाहते थे कि उस मुकदमे का निर्णय हो और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। हमने अपने सारे घोषणा पत्रों में लिख रखा था कि हम अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर श्री राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, हमने किया जी। आज भव्य से भव्यतम मंदिर बन रहा है, अयोध्या का वैभव, अयोध्या जिस परम वैभव की ओर बढ़ रही है उस वैभव को देखने के लिए देश नहीं दुनिया से लोग आएंगे जी। ये वैभव देख करके इनकी छातियों पे सांप लौट रहा है,
ये शराब घोटाला करने वाले, ये जेल में मसाज कराने वाले, ये मुख्यमंत्री आवास के बगल में बलात्कार करने वाले, ये भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने वाले, इनकी छाती पे साथ लौट रहा देश प्रदेश तो राम राज्य की ओर जा रहा है। भ्रष्टाचारियों के ऊपर जिस तरह से कड़ी कार्रवाई हो रही है, खरीद फरोख्त एक एक चुन चुन करके पकड़े जा रहे हैं, इनकी छाती में दर्द हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को अपना नंबर दिखता है राहुल गांधी के बाद, तमाम मानहान के मुकदमे उसके ऊपर लंबित है। इसी तरह समाजवादियों को एक नेवला मिल गया है, उस नेवले से इस तरह की बदजुबानी करा करके अखिलेश यादव जो आज आनंद ले रहे हैं, उनका यह आनंद भी आने वाले चुनावों में काफूर हो जाएगा। जनता उनको इस बात का दंड देगी, उन्हें उनकी हैसियत बताएगी। इमरान जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले मैं नितेंद्र जी के पास चलूंगी। नितेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि आप एक तरफ ओबीसी और पिछड़ा वर्ग को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं सामान्य वर्ग आपसे नाराज हो सकता है? मैडम, यहाँ कोई किसी को नाराज नहीं करने जा रहा है, ना हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये पिछड़े दलित चेतना वाले लोग ये याद कर रहे हैं उन दिनों को कि जब माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय कांशीराम जी एक विचार के साथ एक मंच पर आए थे, इसके बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हो गई थी। ये तमाम उसके बाद तो धर्म को बेचने वाले लोग हैं, ये कितना परेशान हो गए थे। टूटने की कोशिश हुई थी उस मीराबाई के हाउस कांड में, ये वो लोग हैं जो दलित की बेटी की इज्जत पे हाथ डालते हैं। उन्हीं का उपाय जो नारा दिया करती थी, विवेक जी बार बार आंसू बहा रहे हो, घड़ियालियों आंसू, ये वही बहन जी हैं जो कहती थी तिलक तराजू और तलवार। ये बहन मायावती जी का आगे का आपको पता है, आपके लिए क्या कहती थी वो? आप उनके क्यों चरण वंदना में लगे हो? मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, हम विवेक जी देखो भारतीय जनता पार्टी के दुष्चरित्र एक तुच्छ मानो, ये देखिए उंगली पकड़ा के चल रहा है, एक तुच्छ मानो। दो टके का आदमी जिसकी कोई औकात नहीं भगवान राम के सामने, भगवान राम को उंगली पकड़ा के चलेगा तो उसको अच्छा कहते हो? लेकिन हम अपनी आंखों से दौरे जी, पहले सुनिए मेरी बात को, मुझे डिस्टर्ब मत कराइए। विवेक जी, क्या अलग नीति है इस तरह की बयानबाजी का, चर्चा या प्रोपेगेंडा सुनिश्चित करना? कोई कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई चर्चा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी। विवेक जी से मेरा सवाल है, नितेंद्र जी आपके पास आऊंगी। विवेक जी देखिए, पहले तो ये बताइए गौरी जी, जवाब लीजिए, ये तुच्छ मानो भगवान राम की तुलना में, दो टके का बयान में ये भगवान अपने आप को लाइट में बनाए रखना चाहता है। चुनाव हार चुका है, स्वजातीय व्यक्ति से चुनाव हारा है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारा है। जिस भारतीय जनता पार्टी को साफ करने की कसम खाते नेवला समाजवादी पार्टी में गया था, उसी पार्टी में जा करके और अपने ही क्षेत्र से समाजवादी पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से, जो कि उनके स्वजातीय ही थे, उससे चुनाव हारा है। ना वो अपने समाज में मुंह दिखाने लायक है, ना प्रदेश की जनता को मुंह दिखाने लायक है। ये तो अखिलेश यादव जी उसको इस तरह से उपकृत कर करके उससे इस तरह के बयान दिला रहे हैं, और बहुसंख्यक समाज को गाली दिलाने का काम कर रहे हैं। बहुसंख्यक समाज समझता है समय आने पर इसका फैसला होगा। नितेंद्र जी अपनी बात रखें। गौरी जी, ये जिसको बता रहे नेवला, मैं इसकी तुलना में कह रहा हूं कि एक छछूंदर दो टके का आदमी भगवान राम की तुलना में, वो भगवान राम को उंगली पकड़ा करके चलेगा? ये पेटेंट करा लिया है आपने भगवान राम को, ये राम को उंगली पकड़ा के चलेंगे? ये गाना जो खुद अपने आप को बता रहा था, यार थोड़ी बता रहे हैं, बाप है स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद कहा कि मैं नेवला हूँ, भगवान राम उसे बदला लेंगे। आपने नेवला क्यों बता रहा था? आप कितनी खोदना चाहता है, अपने लिए भी खोदना चाहता है, राम को धंधा भी खोद रहा है, वो राम को अपमानित करने का काम नेवला बताएगा ना? भाई नेवला पालने को काम हमें नहीं है। इमरान जी, आपको नहीं लगता कि सभी वर्गों को समान रूप से देखने की जरूरत है? देखिए गौरव जी, यही गौरी जी, यही बात मैं कहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में जरूरत है कि किसानों की जो बदहाली है उस पर क्या सरकार काम कर रही है,
उस पर सवाल जवाब किया जाए और सरकार उन सवालों का जवाब दे। सवाल इस बात के लिए पूछा जाना चाहिए, पंजाब जल रहा है, पंजाब की बदहाली का जिम्मेदार कौन? गौरी जी, अमृतपाल जी कब पकड़ा जाएगा? मुद्दा दूसरा है, मुद्दा दूसरा है आपके पास भी आऊंगी। विवेक जी, जिन प्रदेशों में इनका शासन है उन प्रदेशों की बदहाली के बजाय कभी दो आंसू बहा ले जी। ठीक है इमरान जी, अपनी बात रखिए। गौरी जी स्पष्ट समझ दीजिए, अगर डिबेट के अंदर ये वही गुंडई बदतमीजी करेंगे तो मैं ऐसी डिबेट में शामिल नहीं होगा। मैं कोई सड़क छाप जी, आप अपनी बात रखें या ऐसे सड़क छाप लोगों से मैं बात करूं। अगर इनको आप कंट्रोल कर सकती हैं तो मुझे डिबेट में बैठाइए, अन्यथा मैं डिबेट से निकल जाता हूं। जी ठीक है आप अपनी बात रखिए। विवेक जी, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं किसी अनपढ़ पार्टी के का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना अनपढ़ प्रवक्ता हूँ मैं। देखिए हम चर्चा में बैठे हैं, आप आराम से अपनी बात रख सकते हैं। अनपढ़ होता है बिना डिग्री वाला, एक फाइल में दस्तखत कर बात है अरविंद केजरीवाल, अंगूठा छाप पार्टी के आप ठीक है, मर्यादा में भी रहकर बात कर सकते हैं, मुद्दे पर बात करिए। जिस तरह की भाषा के प्रयोग कर रहे हैं मयूरी जी, या मैं अनपढ़ पार्टी का प्रवक्ता बता रहे हैं, अनपढ़ जो अंगूठा छाप पार्टी का है ना, अरविंद केजरीवाल ने आज तक की फाइल दस्तखत किया बता दीजिए। पता नहीं है अंगूठा छाप पार्टी के प्रवक्ता है, पता नहीं मैं ऐसे पंजाब में बात करने में तो क्यों बुखार हो जाता है? बात उत्तर प्रदेश पे हो रही, क्यों रो रहे हैं उत्तर प्रदेश पे आप? अरे भाई अभी के चंदे अभी अभी मैं आप काली घोटाले की बात करूंगा तो आप शिक्षा की बात करोगे, मोदी पंजाब की बात कर लो, बात कर लीजिए जो बदहाल हो गया। आप के चंदे की घोटाले की बात क्यों नहीं करते हैं आप? ठीक है मोदी अडानी घोटाले की बात कर लो, सतेंद्र जैन किस आरोप में जेल है बता दो भाई, आरोप सिद्ध हो गया, कोर्ट हो गए हो आप, अदालत हो गए हो? मनीष सिसोदिया, आपसे सवाल था, अब बस उसका जवाब दीजिए। आपको नहीं लगता कि सभी वर्ग को समान रूप से देखने की जरूरत है? मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मछली बाजार में बैठने का शौकीन नहीं हूँ जी। बिल्कुल आप अपनी आराम से बात रखिए, बोलता नहीं तो मैं बिल्कुल जी बिल्कुल आराम से अपनी बात रखिए, जवाब दूंगा। बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ कि जैसे आप आज विपक्ष का काम है सवाल पूछना, अगर विपक्ष सवाल पूछेगा तो ये मुकदमा दर्ज करा देंगे। आज पूरे देश के अंदर ये कर रहे हैं, प्रदेश के अंदर यही काम भ्रष्टाचार देखिए क्या है। यही मैं कह रहा हूँ, अगर पढ़ लिख लिए होते तो शायद इस तरह ये बीमारी ना होती, मुंह की कोई गंभीर बीमारी इनको। ठीक है आप अपनी बात रखिए, विवेक जी मैं आऊंगी आपके पास। डिबेट है, डिबेट तो कुल मिलाकर आज उत्तर प्रदेश में हालत क्या है? अगर आप कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो इनके सरकारी आंकड़े इस बात को कहते हैं कि महिलाओं से अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर एक है। ये इमरान लतीफ का आंकड़ा नहीं है, आम आदमी पार्टी का आंकड़ा नहीं है, समाजवादी पार्टी का आंकड़ा नहीं है, ये इनकी सरकार का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं से अपराध के मामले में नंबर एक है। कानून व्यवस्था की हालत यह है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप किसानों की बात करेंगे तो आलू अभी जो किसान जिन जमीन से निकाल कर लाए हैं उनको रखने का ठिकाना नहीं मिल रहा है, कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम नहीं दे पा रहे, सही दाम या नहीं दे पा रहे हैं, सही व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप गन्ना किसानों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश जो है गन्ना किसानों का प्रदेश माना जाता है, तो ये सही समय पर उसके गन्ना के दाम नहीं तय कर पाते हैं, दाम देना तो बहुत दूर की बात है। तो ये हालत तो इनकी किसानों के साथ इनकी ये स्थिति है। बिजली के मामले में बात करेंगे, सीना ठोंके बिजली व्यवस्थाओं की बात करते हैं, अगर आप बिजली के दामों की बात करें तो उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जो देश के सबसे महंगी बिजली सप्लाई देने वाले राज्य हैं। ये हालत तो आप विद्युत व्यवस्था की है उत्तर प्रदेश के अंदर। सरकारी स्कूलों पे बात करेंगे तो कहीं पर माली स्कूल चला रहे हैं, कहीं पर रसोईया स्कूल चला रहे हैं, कहीं पर एक शिक्षक के सहारे स्कूल चल रहा है, कहीं पर छत गिर जा रहा है, कहीं पर दरवाजा गिर जा रहा है, कहीं पर दीवार गिर जा रही है। ये हालत है इनके सरकारी स्कूलों की। सरकारी अस्पतालों की बात करेंगे तो श्रावस्ती चले जाइए तो वहां पर वार्ड बॉय जो है वो सरकारी अस्पताल चला रहा है। ठीक है, जो मैंने आपसे सवाल किया आपने उसका जवाब नहीं दिया, तमाम आरोप आपने भाजपा पे लगाए हैं, छोटा सा जवाब दे दीजिए, वक्त की थोड़ी कमी है। आप मुझसे सवाल कर रही हैं? विवेक जी आपने तमाम आरोपों को सुना, छोटा सा जवाब दे दीजिए। देखिए मयूरी जी, जो भी इनके आरोप हैं सब बेबुनियाद हैं। उत्तर प्रदेश में हर तरह के अपराध का ग्राफ गिरा है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है।
बड़े बड़े सिंडिकेट को नेस्तनाबूद किया है। आज देश के नहीं विदेशों के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं और लगातार उद्योग लगते जा रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है। ये सारी चीजें देख करके विपक्ष निरुत्तर है, विपक्ष बेचैन है। विपक्ष किस तरह की बयानबाजी स्वामी प्रसाद बौजा जैसे लेवलों से करा करके विकास के रास्ते से ध्यान खींचना चाहता है और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ रहा है। हमारी जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है और जनता का आशीर्वाद पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। जी ठीक, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक बार फिर से अपने बयान से राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। रायबरेली में अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण हो रहा था, वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। बता दें अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद तमाम हंगामा देखने को मिला था, उनके पार्टी के लोगों ने ही विरोध जताया था। फिलहाल अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही, कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।